थाना कोतवाली कटरा व पड़री की संयुक्त टीम द्वारा चोरी के 12 ट्रैक्टर, 7 ट्रॉली, 1 रोटावेटर व 1 जनरेटर की बरामदगी के साथ 4 अभियुक्त गिरफ्तार। आज दिनांक 26 नवंबर 2020 को रमेश यादव थाना कोतवाली कटरा मय हमराह क्षेत्र में देखभाल व वांछित अभियुक्त की तलाश में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि लोहिया तालाब से चोरी हुए ट्रैक्टर के साथ 4 व्यक्ति पॉलिटेक्निक ग्राउंड बथुआ के पास खड़े हैं, शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कोतवाली कटरा द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर दबिश देकर 4 व्यक्तियों को चोरी के 1 ट्रैक्टर व 1 ट्रॉली के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 22-23 नवंबर 2020 की रात्रि उन्होंने मिलकर ट्रैक्टर व ट्रॉली को लोहिया तालाब कोतवाली कटरा से चोरी किया था, जिसे बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे थे कि पकड़े गए अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उन्होंने मिलकर थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र से 3 ट्रैक्टर व ट्रॉली, थाना कोतवाली शहर क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर, थाना विंध्याचल क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर, थाना चुनार क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर व थाना पटरी क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर चोरी किए थे एवं अन्य जगहों से भी 4 ट्रैक्टर चोरी किए थे। इसके अतिरिक्त 1 रोटावेटर व 1 बड़ा जनरेटर को भी चोरी किया था। जुड़ा मामला है, कितने ट्रैक्टर बरामद हुए हैं, ये लोग जो गैंग बनाते थे क्या पता चल पाया, कहाँ कहाँ ये करते थे, क्या है पूरा मामला? पिछले कुछ महीनों से जनपद में काफी ट्रैक्टरों की चोरी हुई थी और हमारे यहाँ अभियोगी पंजीकृत हुए थे। इसके अनावरण के लिए टीम बनाई गई थी, कल पड़री की टीम और कोतवाली कटरा की टीम साथ साथ मुखबिर की सूचना पर इसी तलाश में लगी हुई थी। उन्होंने पॉलिटेक्निक बथुआ के पास एक आदमी गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1 ट्रैक्टर और 1 ट्राली मिली। उनकी सूचना पर अन्य जगहों पर जाकर के पता किया गया तो अन्य मुजरिमों की गिरफ्तारी की गई और उनकी निशानदेही पर कुल 12 ट्रैक्टर, 7 ट्राली, 1 रोटावेटर, 1 जनरेटर ये बरामद किया। सर कैसे चोरी करते थे, क्या मतलब दिन में रात और कैसे सर, क्या करते थे लोग? पूछताछ तो इन्होंने बताया कि ये लोग जा करके पहले रेकी करते थे, उसके बाद अगले दिन मोटरसाइकिल ले जाते थे। एक आदमी ट्रैक्टर चला के ले जाता था, दूसरा मोटरसाइकिल लेके चला जाता था, क्योंकि इसमें ताला लगा नहीं रहता, इसलिए ले जाकर के ये चोरी करके उसके बाद बाजार में बेच देते थे, किसानों को भी दे देते थे। सर जहाँ ये बेचते थे क्या वो पता चल पाए कौन सी जगह बेचे, कितना अब तक ये बेच चुके हैं, कौन इसका मेन गिरोह का सरगना है, ये कितने जनपदों में अंजाम दिए, क्या कुछ इसकी जानकारी है? नहीं, ये 4 जो मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं इन्होंने जो बताया वो हमारे जनपद में जो 8 मुकदमे लिखे गए थे वो बरामद हुए हैं और 4 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं। संभवतः ये हमारे ज़िले के आसपास के होंगे, जिसके बारे में इन्होंने बताया नहीं है और हम लोग अन्य जनपदों की सूचना देंगे अगर उनके यहाँ का होगा तो उसके संबंध में। तब मुजरिम सब पकड़े गए हैं कि और कोई अभी भागे हैं? नहीं, 4 मुजरिम गिरफ्तार हो गए हैं, कोई मुजरिम गिरफ्तार नहीं, इनका गिरोह था जो 4 ही लोग